ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सब सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि शनि क्यों डरता है, इन उपायों से। वो कौन से उपाय है जिसे शनि डरता है? शनि कभी भी आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं करेगा और शनि से संबंधित जो शिकायतें होती इस कलयुग में उनसे भी आप शायद छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया और शनि की अंतरदशा में कई सारी तकलीफें झेलना पड़ती है और उससे जीवन जो है उथल पुथल हो जाता है। आज जो जीवन हमारा सामान्य दिखाई दे रहा है ये कल असामान्य दिखाई देता है। ये शनि का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस युग में और कई सारे जातक इससे परेशान भी है। अब हम कैसे शनि को डरा सकते हैं? डराने से सीधे से मतलब कि शनि हमें कोई पॉजिटिव फायदा दे या ना दे, लेकिन नेगेटिव फायदा ना दे, हम बस यही चाहते हैं। तो ये उपाय उसी के लिए हैं और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये यूनिक है, आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा और ये बताने के बाद, ये जानने के बाद आपको शनि संबंधित जितनी सारी शिकायतें वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए कर लें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहें। दूसरा बात है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर ही सकते हैं। तो हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला उपाय है कि शनि जो है, जब आपने एक सुना होगा कि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को बांध दिया था, तो उस समय जब हनुमान जी महाराज लंका को जलाने गए थे तभी हनुमान जी महाराज ने उन 9 के 9 ग्रहों को लंका के जो रावण है उसके चुंगल से उन्हें बचाया था और चुंगल से उन्हें छुड़वाया था, रिहा करवाया था। उसी सानिध्य में हनुमान जी को सभी ग्रहों ने ये वादा किया था कि हम कभी भी आपके जो भक्त हैं उस पर कभी भी हम पॉजिटिव फ़ायदा नहीं दें, लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव फ़ायदा हम उसे नहीं देंगे। खासकर शनि ने भी ये वादा उनसे किया है। तो सबसे पहला बात है कि अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो मुख्यतः बात यह है कि वो शनि भी डरता है, 9 के 9 ग्रह डरते हैं। आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप देखिए हनुमान जी प्रसन्न होते हैं श्री राम का नाम लेने से, तो अगर आप राम का नाम लेते हैं तो 9 के 9 ग्रह जो है वो आपको कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे। प्लस शर्त इसमें एक बात ये भी है कि आपको इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। इको फ्रेंडली होने से सीधे सा मतलब है कि राम का नाम लेते लेते जैसे आपको एक अच्छे वृक्ष लगाना चाहिए, राम का नाम, राम के नाम से या तो कोई गरीबों को अनाज दान करें, राम के नाम से आप प्याऊ, जैसे गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं तो प्याऊ करें लोग, जहाँ पे पानी पी पाएँ, गरीब बच्चों का जो एजुकेशन अगर आप उठा पाए वो। तो शनि जो है वो नीड की जगह है, जहाँ आवश्यकताएं होती है ना वहाँ पर शनि इफेक्ट होता है और जहाँ आवश्यकताएं होती है अगर वहाँ पर हम थोड़ा सा सहयोग करते हैं राम का नाम लेकर, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होने के साथ साथ लोगों की मदद भी होती है। दूसरा बात है कि अगर जब आप ये चीज़ करते हैं, ये यूनिक चीज़, इससे शनि जो है कभी भी नेगेटिव फायदा नहीं और शनि इससे बहुत डरता है। बहुत सरल है, सहज है।